गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैप्टर सेकंड, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक्सरसाइज 2.6। क्वेश्चन आपके पास, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट आपके पास 8x-3/3x इज इक्वल टू 2, ठीक है। इक्वल टू में बेटा 2 दे रखा है, उसको बना लीजिए 2/1। सो नेक्स्ट स्टेप में हमें मिल गया 8x-3/3x इज इक्वल टू 2/1, ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, फ्रॉम हियर बाय क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेट 8x-3/1। बेटा 8x-3 को है मल्टीप्लाई, 8x-3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए। सो 8x-3/1 एंड 3x/2, 3x को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। व्हेन वी मल्टीप्लाई 8x-3/1, वी गेट 8x-3। सो 8x-3 इज इक्वल टू 3x/2, 6x, ठीक है। वेरिएबल को लेफ्ट साइड में ले आइए, कॉन्स्टेंट को राइट साइड में ले जाइए। सो 8x-6x इज इक्वल टू -3 की साइड चेंज कीजिए, +3। सो 2x इज इक्वल टू 3, देन x इज इक्वल टू 3/2। सो बेटा हमने सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू फाइंड की 3/2। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 9x/7-6x इज इक्वल टू 15। सेम क्वेश्चन है, पहले इक्वल टू में 2 दे रखा था, इस बार इक्वल टू में 15 है, 15 को बना लीजिए 15/1। सो इन सेकंड स्टेप 9x/7-6x इक्वल टू 15/1 बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए बेटा, 9x को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए। सो 9x/1 इक्वल टू 15 को मल्टीप्लाई कीजिए 7-6x के साथ। यहां से लीजिए 9x/1 इक्वल टू 15/7, 15 7 जा 105। सो 105-15 6 जा 90x। वेरिएबल को लेफ्ट साइड में ले आइए, -90x को चेंज करके लेफ्ट साइड में लाइए। 9x-90x है, इधर आके +90x इक्वल टू 105। सो 90 प्लस 9x इज इक्वल टू 105, देन x इज इक्वल टू 105/99, ठीक है बेटा। और दोनों नंबर है बेटा, वो 3 से डिविजिबल है। जब हम बेटा इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो अपना जो आंसर होगा, x इज इक्वल टू, नीचे डिवाइड किया बेटा 99 को 3 से, 33 आ गया, और 105 को 3 से डिवाइड किया, 35 हमें मिल जाएगा। सो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 35/33, ठीक है ना। 105 एंड 99 बोथ आर डिविजिबल बाई 3, सो 3 से हमने इसको डिवाइड कर दिया। इसी में देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, थर्ड पार्ट नहीं करेंगे, फोर्थ पार्ट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा बेटा, फोर्थ पार्ट है बेटा क्वेश्चन में अपने पास, 3y+4/2-6y इज इक्वल टू -2/5, ठीक है। क्वेश्चन है सॉल्व फॉर y, y की वैल्यू यहां से फाइंड कीजिए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फ्रॉम हियर बाय क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेट 3y+4/5। 3y+4 है, उसको मल्टीप्लाई कीजिए आप 5 के साथ, एंड -2/2-6y, ओके। सो 5/3y 15y+5/4 5 4 जा 20 इक्वल टू -2/2 -4 एंड -2/-6y --+12y, ठीक है। 12y की आप साइड चेंज कर दीजिए, उसको कांस्टेंट को आप लेफ्ट साइड में लेकर आ जाइए। पहले से बेटा ऑलरेडी 15y है, 15y-12y इक्वल टू में बेटा -4 एंड +20 को राइट साइड में ले आइए, -20। सो -3y इज इक्वल टू -24, देन y इज इक्वल टू -24/3
और y इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू हमें 8 मिल गई, ठीक है ना। इसी में देखिए बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ पार्ट है बेटा, सेम क्वेश्चन है, आप कर सकते हो, ठीक ना। नहीं करूंगा मैं, अपने आप उसको प्रैक्टिस में कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हम कर लेते हैं, वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्वेश्चन में दे रखा है। द एज ऑफ हरी एंड हैरी आर इन रेशियो 5:7। आपको हरी और हैरी की एज का रेशियो दे रखा है 5:7 एंड 4 इयर्स फ्रॉम नाउ आपको क्वेश्चन में दे रखा है देयर एज विल बी 3:4, यानी आफ्टर 4 इयर्स उनकी एज का जो रेशियो है बेटा वो 3:4 बन जाता है, ठीक है ना। आपका क्वेश्चन है फाइंड देयर प्रेजेंट एज। इधर देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या क्या गिवन है। सबसे पहले आपको गिवन है रेशियो ऑफ एजेज ऑफ हरी एंड हैरी, इनकी एज का बेटा आपको रेशियो गिवन है। यहां से लीजिए रेशियो कितना है 5:7, ठीक है, ओके। आपने कहा सर लेट प्रेजेंट, आपको फाइंड करना है फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो यहां से आप लीजिए प्रेजेंट एज ऑफ हरी। सो प्रेजेंट एज ऑफ हरी लीजिए हरी की प्रेजेंट एज को बेटा यहां से लीजिए 5x एंड प्रेजेंट एज ऑफ हैरी हैरी की प्रेजेंट एज को आप लीजिए 7x, ठीक है। आपका क्वेश्चन है 4 इयर्स फ्रॉम नाउ, बेटा 4 इयर्स फ्रॉम नाउ मींस आफ्टर 4 इयर्स, 4 ईयर लेटर्स, इन सब का मीनिंग सेम रहता है बेटा कि 4 इयर्स के बाद में आपकी एज क्या होगी। मैं कहता हूँ आपकी एज अभी 10 इयर्स है, बताइए आफ्टर 4 इयर्स, 4 ईयर्स लेटर, 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ आपकी एज क्या हो जाएगी। आप कहेंगे सर जो प्रेजेंट एज है उसमें प्लस 4 कर दीजिए, अभी आप 10 इयर्स के हैं तो प्लस 4 करेंगे 14 बन जाएगी। यहाँ भी बेटा ऐसे ही कीजिए, जैसे आफ्टर 4 इयर्स या 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो आपने कहा सर आफ्टर 4 इयर्स एज ऑफ हरी, बोलिए बेटा हरी की एज क्या बन जाएगी। आप कहेंगे सर जो प्रेजेंट एज है 5x उसमें 4 प्लस कर दीजिए। और बेटा इस ध्यान रखिएगा, कुछ स्टूडेंट जब मैंने ऑनलाइन क्लास ली थी 5x प्लस 4 को 9x बोल देते हैं, 5x एंड 4 ऐड नहीं होते हैं बेटा। 5x आपके पास वेरिएबल मिड टर्म में और जो 4 है वो कांस्टेंट है, तो वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म ऐड नहीं होगी, 5x प्लस 4 ही रहेगा। नेक्स्ट आप लीजिए आफ्टर 4 इयर्स एज ऑफ हरी, एज ऑफ सॉरी हैरी, हैरी की एज क्या हो जाएगी बोलिए आफ्टर 4 इयर्स, तो आपने कहा सर प्रेजेंट एज में 4 ऐड कर दीजिए 7x प्लस 4, ठीक है। और अब देखिए क्वेश्चन आपको क्या कहता है, आफ्टर 4 इयर्स या 4 इयर्स फ्रॉम नाउ आपको क्वेश्चन दे रखा है रेशियो ऑफ देयर एज विल बी, उनकी एज का जो रेशियो बनता है बेटा वो 3:4 बन जाता है। कितना बन जाता है बोलिए 3:4, तो यहां से लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कहता है आफ्टर 4 इयर्स उनकी एज का जो बेटा रेशियो है 5x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 7x प्लस 4, बेटा ये किसके इक्वल हो जाता है 3:4, यानी 3/4 के इक्वल हो जाता है। यहां से इस इक्वेशन को अभी हमने सोल्व करना सीखा था बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आप यहां से बेटा बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई बोलिए बेटा आपको क्या मिल जाएगा। आपने कहा सर 5x प्लस 4 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, सो 4 मल्टीप्लाई बाई 5x प्लस 4, और बेटा इक्वल टू में 3 मल्टीप्लाई बाई 3 को किससे मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 7x प्लस 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। देखिए आपको क्या मिलता है, इधर कर लें, चलिए आपने कहा सर इधर कर, चलिए इधर लीजिए 4 मल्टीप्लाई बाई 5x, 4 5 20x प्लस 4 4 16 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 7x, 3 7 21x एंड प्लस 3 4 12, ठीक है। वेरिएबल को लेफ्ट साइड में ले लीजिए 20x माइनस 21x इक्वल टू में लीजिए 12, पॉजिटिव 12 प्लस 16 को बेटा साइड चेंज कीजिए माइनस 16, प्लस 20x एंड माइनस 21x, सो माइनस x इज इक्वल टू
12 माइनस 16 माइनस 4 आपको मिल गया, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 4, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, एक्स की वैल्यू बेटा 4 आ गई। जैसे ही एक्स की वैल्यू 4 आई आप प्रेजेंट एज ऑफ हरी बता सकते हैं। तो यहां से देखिए बेटा प्रेजेंट एज ऑफ हरी, हरी की जो प्रेजेंट एज थी वो क्वेश्चन में बेटा आपको गिवन थी 5x, क्या थी बोली आपके पास 5x, तो x के प्लेस पे आप बेटा 4 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 5 4 20 ईयर, तो हरी की प्रेजेंट एज बेटा 20 ईयर आ गई। और नेक्स्ट आप लीजिए बेटा प्रेजेंट एज ऑफ हरी, प्रेजेंट एज ऑफ हरी, हरी की प्रेजेंट एज हमारे पास 7x थी, सो 7 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है ना, x की वैल्यू 4 थी, सो 28 ईयर, ठीक है, देर प्रेजेंट एज आ गई। आपने कहा सर कैसे पता चलेगा क्वेश्चन सही किया या हमने नहीं किया, तो बेटा क्वेश्चन ने आपको क्या कहा था, आफ्टर 4 इयर्स, ये उनकी बेटा प्रेजेंट एज है, आप इसमें 4 ऐड कीजिए, जब आप 20 में 4 ऐड करेंगे तो बेटा आपको 24 मिल जाएगा, और जब आप बेटा 28 में 4 ऐड करेंगे हैरी की एज आपको 32 मिल जाएगी। तो बेटा क्वेश्चन ने ये कहा था कि इनकी एज का जो रेशियो है बेटा वो 3:4 बन जाता है, यहाँ से आप 8 से इसको कैंसिल कीजिए, जब आप 8 से कैंसिल करते हैं 8 3 24, और जब आप इसको 8 से कैंसिल करेंगे 8 4 32, तो बेटा आपके पास वापस वो 3:4 आ गया जो हमने किया था, इट मीन्स हमने जो क्वेश्चन किया वो सही है, ठीक है ना। ठीक है, वापिस एक बार क्वेश्चन देख लीजिए बेटा, क्या क्वेश्चन था अपने पास, दो फ्रेंड्स या दो पर्सन दे रखे हैं, उनकी एज का रेशियो अपने को क्या गिवन था, इधर देखिएगा, उनकी एज का रेशियो अपने को गिवन था रेशियो ऑफ एज ऑफ हरी एंड हैरी 5:7, ठीक है ना, हमने ले लिया लेट प्रेजेंट एज ऑफ हरी 5x, लेट प्रेजेंट एज ऑफ हैरी 7x, क्वेश्चन ने कहा कि आफ्टर 4 इयर्स, तो 4 इयर्स के बाद में उनकी एज क्या मिल गई हमें, हरी की मिल गई 5x+4 और हैरी की मिल गई 7x+4, ठीक है। क्वेश्चन आपको कहता है कि आफ्टर 4 इयर्स रेशियो बिकम 3:4, तो रेशियो बिकम यानी 5x+4/7x+4, और ये किसके इक्वल हो गया, ये जो 5x+4/7x+4 = 3/4, और बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने बेटा इसको सॉल्व किया तो हमें x की वैल्यू बेटा 4 मिल गई। x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, यहाँ से x की वैल्यू 4 मिल गई और दोनों वैल्यू हमने फाइंड कर ली। लास्ट क्वेश्चन लीजिए बेटा इस एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन 7th लीजिए, सेवंथ क्वेश्चन रीड कीजिए बेटा। द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज 8 ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर, क्या क्वेश्चन आपको कह रहा है, द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज 8 ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर, किसी रेशनल नंबर में बेटा जो डिनोमिनेटर है 8 ग्रेटर है इट्स न्यूमरेटर से। आगे क्वेश्चन आपको क्या कहता है, इफ न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाई 17, यदि आप न्यूमरेटर को 17 इंक्रीज करते हैं एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाई 1, और यदि आप डिनोमिनेटर को 1 डिक्रीज करते हैं देन न्यू फ्रैक्शन नंबर, ठीक ना, या ऑप्टेनिंग नंबर इज 3/2, तो जो बेटा ऑप्टेनिंग नंबर है वो 3/2 है, ठीक ना, फाइंड रेशनल नंबर, वो रेशनल नंबर बताइए बेटा। क्या दे रखा है क्वेश्चन में बेटा, डिनोमिनेटर गिवन है, तो जो बेटा जो गिवन है उसको नहीं, जो अननोन है उसको एक्स लीजिए। तो बेटा सबसे पहले हमने लिया लेट न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को बेटा आप एक्स ले लीजिए, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिनोमिनेटर बेटा, तो बेटा डिनोमिनेटर आपको मिल जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है बेटा डिनोमिनेटर कितना है आपके पास, बोलिए 8 ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से 8 ग्रेटर यानी जितना न्यूमरेटर है उसमें प्लस 8 कर दीजिए, तो बेटा डिनोमिनेटर कितना आ गया, x+8 आ गया बेटा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपको क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है इफ न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाई 17, न्यूमरेटर को 17 इंक्रीज कीजिए, तो बेटा आप लिखिए आफ्टर इंक्रीजिंग 17, आफ्टर After increasing 17, आपने कहा सर न्यू न्यूमरेटर, बोलिए बेटा न्यू न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, पहले x था उसमें 17 प्लस कीजिए, तो न्यू न्यूमरेटर क्या बन गया, x+17, ठीक है। एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाई 1, डिनोमिनेटर को 1 डिक्रीज कीजिए, तो आपने कहा सर आफ्टर डिक्रीज, आफ्टर डिक्रीजिंग डिनोमिनेटर बाई 1, न्यू डिनोमिनेटर,
तो बेटा न्यू डिनोमिनेटर हमें कितना मिल जाएगा? तो आपने कहा सर न्यू डिनोमिनेटर हमें मिल जाएगा जो पहले वाला है उसमें बेटा 1 माइनस कर दीजिए, x प्लस 8। पहले था बेटा x प्लस 8, उसमें से 1 माइनस कर दीजिए, तो बेटा न्यू डिनोमिनेटर आपको मिल गया x प्लस 7। ठीक है ना, प्लस 8 माइनस 1 को सॉल्व कर लिया हमने, x प्लस 7। अब देखिए बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन हमें कहता है कि देन रेशियो बीकन या न्यू ऑब्टेनिंग नंबर, ठीक ना, इज इक्वल टू 3/2, कि जो नया ऑप्टेनिंग नंबर है वो 3/2 के इक्वल है। आप कहेंगे सर ऑप्टेनिंग नंबर का मतलब, यानी न्यू न्यूमरेटर को लीजिए, न्यू न्यूमरेटर था बेटा x प्लस 17, न्यू डिनोमिनेटर को लीजिए, न्यू डिनोमिनेटर है x प्लस 7, तो बेटा ये जो ऑप्टेनिंग नंबर है ये किसके इक्वल हो जाता है, 3/2 के इक्वल हो जाता है। यहाँ से लीजिए बेटा बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, बोलिए बेटा मल्टीप्लाई कीजिए, x प्लस 17 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए इक्वल टू, एंड 3 को मल्टीप्लाई कर लीजिए x प्लस 7 के साथ, लीजिए 2 मल्टीप्लाई बाई x, 2x प्लस 34 इक्वल टू में लीजिए 3x प्लस 21, वेरिएबल को लेफ्ट साइड में ले आइए, 2x माइनस 3x इक्वल टू 21 प्लस 34 को उधर ले जाइए बेटा राइट साइड में माइनस 34, देन माइनस x इज इक्वल टू माइनस 13। तो बेटा देखिएगा आपने कहा माइनस x इज इक्वल टू माइनस 13, माइनस माइनस कैंसिल, देन x इज इक्वल टू 13, तो बेटा x 13 आ गया। x आप क्या लेकर चले थे, न्यूमरेटर, तो बेटा न्यूमरेटर हमें मिल गया, तो अपना जो न्यूमरेटर है वो हमें कितना मिल गया, तो अवर न्यूमरेटर इज 13, देन डिनोमिनेटर, इसके बाद में बेटा हम डिनोमिनेटर फाइंड कर लेंगे। तो आपने कहा सर जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 8 ग्रेटर था न्यूमरेटर से, तो 13 प्लस 8, देन अवर न्यू अवर डिनोमिनेटर इज 21, देन अवर रेशनल नंबर, तो बेटा जो हमारा रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर क्या बन गया, 13/21, ठीक है, 13/21 अवर रेशनल नंबर। आपने कहा सर इसको चेक करके बताइए सही है या नहीं है, तो चेक कैसे करेंगे बेटा, जो आपका न्यूमरेटर है उसमें 17 ऐड करो, बोलो बेटा 13 में 17 ऐड कीजिए, चेक कर रहे हैं, देखिए बेटा चेक करने के लिए आपने क्या किया, जो आपका न्यूमरेटर है उसमें 17 प्लस कीजिए, न्यूमरेटर में 17 प्लस किया बेटा, और डिनोमिनेटर में जो आपका बेटा डिनोमिनेटर है 21 उसमें से बेटा 1 माइनस कर दीजिए, ठीक है, डिनोमिनेटर में, तो बेटा जो ऑप्टेनिंग नंबर है वो 3/2 होना चाहिए, 13 प्लस 17 30, 21 में से 1 माइनस किया 20, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो वापस बेटा ऑप्टेनिंग नंबर कितना आ गया, 3/2 आ गया, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन है वो सही है। तो बेटा ये चैप्टर अब हमारा कंप्लीट हो गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और बेटा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 3, ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल हम स्टार्ट करेंगे। ओके।